फॉर्म ऑफ रिलेशन, हाउ टू फाइंड हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म इन योर रिलेशन। सो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि लेट सपोज दे विल गिव यू रिलेशन, जब से एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, ही विल गिव यू रिलेशन आर टेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। सो हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर? फाइव एट्रीब्यूट्स आर देयर। सो ही विल गिव यू एफ डी, एफ डी मीन्स फंक्शनल डिपेंडेंसी। ही विल गिव यू ए बी कैन डिटरमाइन सी डी ई कॉमा बी D can determine B and E. So this is my functional dependency and he will give CK. CK means candidate key. A, B is a candidate key and A, D is a candidate key. So these are the all information given. So he will ask you question. आपसे ये पूछेगा कि find highest normal form of this relation. ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए में लिख देगा 1NF, ऑप्शन टू में लिख देगा 2NF, ऑप्शन थ्री में लिख देगा 3NF, ऑप्शन फोर में लिख देगा BCNF। सो नाउ हाउ टू फाइंड व्हाट वी आर गोइंग टू टीक। सो टू फाइंड एनी रिलेशन इन विच फॉर्म इज द रिलेशन इज गिवन, हाउ टू सॉल्व। सो आई हैव रिटन फ्यू ट्रिक्स और फ्यू मैथड, स्टेप बाय स्टेप यू नीड टू लर्न इट। इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ इट एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो स्टेप वन और ट्रिक वन, स्टेप वन इसको बोल सकते हैं, ठीक है, फाइंड कैंडिडेट की इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन। सो हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई अर्लियर क्लासेस। So here in the question, candidate key given, AB and AD are my candidate key, it is given. Okay, step 2, check relation functional dependency from BCNF. अब आपके पूछो सर आप BCNF से क्यों ही चेक कर रहे हो, क्योंकि as I have told you earlier, ये जो आपका होता है डायग्राम, if a relation is in BCNF, then by default that relation in 3NF second arrow null form. अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, if I draw a point here, so it means this point is in second null form. So is this point is in first null form? क्या ये first null form के अंदर आ जाएगा? Yes आ जाएगा. क्या ये point मेरा 3NF में होगा? नहीं होगा. So in reasoning you have studied all A R B. If it is written, so how we draw? We write A and we draw B. So if I point anything here, मालूम मैं कहता हूँ कोई चीज यहाँ पे, इसका मतलब वो चीज A के अंदर है and वो चीज by default automatically B के अंदर आ जाएगी. So here, if I found that if a relation is BCNF, so by default that relation become 3NF, 2NF, 1NF and it is also mentioned in the definition of the normalization, first NF, second NF, third NF, fourth NF. So you need to remember the definition, exam mein definition bhi aa sakti hai. So let's start to the step 2, check relation functional dependency for BCNF. Sabse pehle aapko BCNF dekhna hai. LHS, left hand side, to left hand side hoti kya hai? Jaise yahan pe likha hai, AB determine CDE. So AB kya hai? AB mera left hand side ho jayega, jo aapke left haath mein hai. Theek hai? शुड बी अ प्रॉपर सुपर की और कैंडिडेट की. जो आपका एल एच एस है वो एक प्रॉपर सुपर की होना चाहिए या वो कैंडिडेट की होना चाहिए. ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, आगे देखते हैं, फिर एक बार हम स्टेप देख लेते हैं, देन वी विल सी. स्टेप थ्री, इफ माई इफ दे आस्क यू हाउ टू चेक द रिलेशन इज इन थ्री नॉर्मल फॉर्म और नॉट. सो टू चेक एनी रिलेशन इन थ्री नॉर्मल फॉर्म वॉट वी डू, वी चेक एल एच एस शुड बी सुपर की और कैंडिडेट की. और इज इंपॉर्टेंट, लेट सपोज माय एलएचएस इज नॉट अ सुपर की और नॉट अ कैंडिडेट की. सो और आरएचएस राइट हैंड साइड शुड बी प्राइम एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स. अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती, इफ एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई इन बोथ एनी वन, सो इट मींस दैट रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. टू चेक एनी रिलेशन इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म व्हाट वी डू, we check for partial dependency. So what is the definition of second normal form? Second normal form says that the relation should be in first normal form plus there should be no partial dependency. I already explained in my paid classes what is partial dependency. So subset of super key, it is saying that subset of super key on RHS right hand side is determining LHS means non
sorry, left hand side non prime matrix. So this is the definition of your non sorry partial dependency. अगर ऐसा कुछ आ गया तो आपका relation second order form में नहीं होगा. अगर ऐसी चीज नहीं मिली तो by default that relation is in second order form. And all relation will be in first order form by default. So कोई भी question देता है, कोई भी relation given होता है, so by default the default value of एनी रिलेशन इज फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म. आपने जैसे सी के अंदर सीखा होगा स्विच, हम लिखते हैं स्विच, यहाँ पे हम लिखते हैं एन की वैल्यू. अगर एन की वैल्यू वन है तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, अगर एन की वैल्यू मेरी टू है ये एग्जीक्यूट हो जाए, एन की वैल्यू थ्री है तो ये हो जाए. फिर हम आगे लिखते हैं डिफॉल्ट, अगर कुछ भी एन की वैल्यू नहीं मिली तो ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाए. तो ऐसे हम लिखते हैं. सो ऐसे ही इफ नथिंग इज ट्रू इन अबाउट, अगर वो बी सी एन एफ में नहीं है, थ्री एन एफ में, टू एन एफ, सो बाई डिफॉल्ट दैट रिलेशन इज फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म. ठीक है, सो ये हो गया आपके स्टेप्स. अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आराम से सीखेंगे. सबसे पहले देखते हैं ए बी. ठीक है, ए बी ये वाला गिवन है, ए बी इज डिटरमाइनिंग सी डी ई. अब इसमें देखो सबसे पहले आपके प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पी ए मीन्स प्राइम एट्रीब्यूट. सो ए एंड बी आर माय प्राइम एट्रीब्यूट. व्हाई? बिकॉज ए बी is a candidate key and A and B are part is or subset of my candidate key. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ non prime attribute, NP लिख देता हूँ non prime attribute. What are my non prime attribute? C, D, E. Is C is a part of a candidate key? No, C is not a part of candidate key. Is C is a part of candidate key here? No. Now check D. D is a part of candidate key? No. D is a part. Yes, D is candidate. पार्ट ऑफ कैंडिडेट की. सो आपने सर यहाँ कैसे लिख दिया? सॉरी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई तो आप क्या करेंगे? आई विल रिमूव इट. नाउ आई विल एड हेयर, डी इज माई प्राइम एट्रीब्यूट. वाई? बिकॉज डी इज अ पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की. डी इज अ पार्ट, ये कहीं ना कहीं हिस्सा ले रहा है, तो मेरा प्राइम एट्रीब्यूट में डी आ जाएगा, हट जाएगा. ई देखेंगे, ई ए बी में आ रहा है? नहीं आ रहा. ई ए बी में आ रहा है? ए डी में आ रहा है? नहीं आ रहा. सो आई लेफ्ट विथ ओनली टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. इतना आपका क्लियर हो गया? प्लीज टाइप यस और नो. आई हैव फाउंड प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. इज दैट क्लियर टू यू? प्लीज टाइप यस और नो. यस, ओके. रात हो गई है तो मैंने स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास एंड बिकॉज दे हैव जॉब और एक्सेट्रा. Okay, no problem. So, I have found prime attribute and non-prime attribute. Now, I will check for BCNF. First of all, I will check for BCNF. So, BCNF बोलता है कि LHS जो है, वो मेरा super key होना चाहिए और मेरा candidate key होना चाहिए. Both are same here. So, check करो. LHS क्या है? AB. AB क्या मेरा candidate key है? Yes. AB is my candidate key. So this relation is in BCNF. अगर कोई relation BCNF में है तो वो 3NF में automatically आ जाएगा, second order form में automatically आ जाएगा, first order form में automatically आ जाएगा. उसको आगे check करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब हम दूसरा relation देखते हैं. दूसरा relation given है D is determining BE. अब इसमें आप देख लो कि आपके prime attribute क्या है. D is a prime attribute. Yes, D is a part of candidate key. And non-prime attribute को मैं NP लिख देता हूँ. So non-prime attribute क्या है? B है, B नहीं है. B तो मेरा एक candidate key का part है, तो B नहीं होगा. तो B मेरा यहाँ आ जाएगा. B आ जाएगा कहाँ पे? B मेरा यहाँ आ जाएगा. और E, E मेरा हो जाएगा मेरा non-prime attribute. In this relation, only in this relation. Now let's check this relation for BCNF. हम सबसे पहले BCNF के लिए चेक करेंगे. BCNF बोलता है योर LHS शुड बी कैंडिडेट की. क्या मेरा D कैंडिडेट की है? नो सर, D इज नॉट अ कैंडिडेट की. D इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की. D इज अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की. D इज नॉट अ कैंडिडेट की सर. ओके, D इज अ नॉट कैंडिडेट की. नाउ वी विल चेक फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म. एक एक करके देखेंगे व्हाट थर्ड नॉर्मल फॉर्म सेज दैट. थर्ड नॉर्मल फॉर्म सेज दैट LHS left hand side should be candidate key or RHS right hand side should be prime attribute. अगर इन दोनों में से कोई भी condition match हो जाती है, it means that this relation is in third order form. एक बार देख लेते हैं. ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा था trick के अंदर
टू चेक एनी रिलेशन इन थर्ड फॉर्म LHS लेफ्ट हैंड साइड शुड बी अ सुपर की और कैंडिडेट की और RHS राइट हैंड साइड शुड बी प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, अब मुझे बताओ कि सर क्या मेरा डी कैंडिडेट की है? नो सर, डी इज नॉट ए कैंडिडेट की। वाई? बिकॉज डी इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। डी इज कंप्लीटली नॉट अ कैंडिडेट की। डी अकेला कैंडिडेट की नहीं है, डी इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। ओके, सो LHS क्या मेरा कैंडिडेट की है? सर ये तो फेल हो गया। और भी है, एक स्टेटमेंट और चेक करो। क्या मेरा RHS प्राइम एट्रीब्यूट है? क्या मेरा बी प्राइम एट्रीब्यूट है? यस सर, बी इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। क्या मेरा ई प्राइम एट्रीब्यूट है? नो सर, इज नॉट प्राइम। कोई एक फेल हो जाएगा तो सब फेल हो जाएंगे। इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। नाउ लेट्स चेक फॉर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपका क्लियर हो गया, प्लीज टाइप यस और नो। शुड आई एक्सप्लेन अगेन? अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपका क्लियर हो गया, प्लीज टाइप यस और नो। देन वी विल सी मोर क्वेश्चंस दैट कैन आस्क इन एग्जाम क्वेश्चन। ओके, सुभाष का जैसा आ गया संजय, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप। और स्टूडेंट को तो नींद आ रही थी, वो लोग सो गए, रात के हो गए 11:30। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ चेक फॉर सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है, देर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। ओके, हाउ टू चेक इट सर? हाउ टू चेक फॉर पार्शियल डिपेंडेंसी? लेट्स गो टू ट्रिक। टू चेक सबसेट ऑफ अ सुपर की ऑन RHS इज डिटरमाइनिंग LHS नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। सर ये क्या हो गया? ये हो गया इफ इन योर LHS left hand side is a subset of candidate key and RHS means right hand side is a non prime attribute. अगर ऐसा condition है, if this statement is true, then your relation is in partial dependency. और second normal form कहता है आई हेट पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी मिल गई तो सेकंड फॉर्म में नहीं होगा। सो लेट्स चेक, हमारा रिलेशन गिवन था डी टेंड्स टू बी और ई। ठीक है, इसमें हमने निकाला था प्राइम एट्रीब्यूट जो आपका कैंडिडेट में क्या है, डी एंड बी आर माय प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या थे सर? ई था। नाउ चेक LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला, ये इसको कहते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर LHS। सो इफ माई LHS इज ए सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, क्या ये मेरा कैंडिडेट की का सबसेट है? वॉट आर माई कैंडिडेट की? माई कैंडिडेट की आज की आर ए बी एंड ए डी। ए बी और ए डी मेरे कैंडिडेट की है। ए बी और ए डी, ए बी यहां मैं लिख लेता हूं, सी के आर ए बी एंड ए डी। क्या मेरा डी ए बी का मेरा कोई सबसेट है? नो। क्या मेरा डी ए डी का सबसेट है? यस। सो डी इज अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, यस इट इज ट्रू। एंड RHS, RHS में क्या है? बी एंड ई इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इज बी इज माय नॉन प्राइम एट्रीब्यूट? नो सर, बी इज योर प्राइम एट्रीब्यूट। हाउ कैन यू से बी माय नॉन प्राइम एट्रीब्यूट? इज ई इज माय नॉन प्राइम एट्रीब्यूट? यस। सो दिस इज ट्रू। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एन इज ट्रू। अगर मैं इफ में लिखता हूं ट्रू TRUE और एंड उसके आगे भी लिखता हूं ट्रू, इसका मतलब इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इट मीन्स दिस रिलेशन हैविंग अ पार्शियल डिपेंडेंसी एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म हेट पार्शियल डिपेंडेंसी। सो दिस रिलेशन इज इन नॉट सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सो कोई भी रिलेशन बाय डिफॉल्ट आपका किस में आ जाएगा? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। सो इन दिस क्वेश्चन, सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज माई राइट ऑप्शन। सो इज दैट क्लियर टू यू? ये आपका क्लियर हो गया दोस्तों, प्लीज टाइप यस और नो। देन वी विल सी मोर एमसीक्यू क्वेश्चन, प्लीज टाइप यस और नो इफ इट क्लियर टू यू। यस, एक और यस आना चाहिए, दो यस से हो जाएगा। यस, वेरी गुड। अब एग्जाम में गलत मत कर देना, डोंट मेक मिस्टेक इन एग्जाम। नाउ वी विल सी वन मोर एमसीक्यू। Now we have a relation A B C D F. A B
सी डी ई एंड दीज आर माई कैंडिड सॉरी फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ डी एंड सी के. सी के क्या है, कैंडिड की क्या है, ए डी ए सी और ए ई. हम एक एक रिलेशन को देख लेते हैं. शुरू में हम ए ई देख लेते हैं, ए ई देख लेते हैं. ए ई इज डिटरमाइनिंग बी सी. ठीक है, अब इसमें आप देख लो कि मेरे प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, पी के क्या है. पी के आप को निकालना अब आ गया होगा कि व्हाट इज पी के एंड व्हाट आर हाउ टू फाइंड प्राइम एट्रीब्यूट एंड हाउ टू फाइंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यू हैव नोन. सो आई विल नॉट वेस्ट इन टाइम टू फाइंडिंग द नॉन प्राइम प्राइम. एक बार मैं आपको निकाल के बता देता हूं. इन दिस रिलेशन ए ई बी सी और बी. सो ए बी ए ई सी आर माई प्राइम एट्रीब्यूट एंड बी इज माई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, क्योंकि बी इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई कैंडिडेट की. ठीक है, मैंने निकाल लिया. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक फॉर बी सी एन एफ. बी सी एन एफ इज ए इज माई कैंडिडेट की और सुपर की. ए ई दिख रहा है, नहीं है, नहीं है, नहीं. यस ए मिल गया. यस जो जैसे ही मिल गया वो मेरा बी सी एन एफ में हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड अगर कैंडिडेट की सुपर की है तो मेरा बी सी एन एफ हो जाएगा बाय डिफॉल्ट. अगर कोई बी सी एन एफ हो गया तो वो थ्री एन एफ सेकेंड नॉर्म फर्स्ट नॉर्म फॉर्म बाय डिफॉल्ट हो जाएगा. सो ये थ्री एन एफ ऑटोमेटिक व्हाट सर डी कहाँ है सर. इन दिस रिलेशन देर इज नो डी ना. ओके यू आर सेइंग फॉर होल रिलेशन. यस यू इफ यू वांट यू कैन राइट फॉर होल रिलेशन एट वंस. यस इफ यू राइट इट होल रिलेशन एट वंस सो इट विल बी वेरी गुड. यू वोंट नीड टू फाइंड अगेन एंड अगेन. सो इट इज सेविंग फॉर टाइम. जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन आई वॉज फाइंडिंग द प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फॉर एवरी रिलेशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड प्राइम एट्रीब्यूट एंड हाउ टू फाइंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. सो इन वन गो इन सिंगल अटेम्प्ट यू हैव फाउंड ए ई सी डी आर माई प्राइम एट्रीब्यूट एंड ओनली बी. बी बेचारा अकेले रह गया. सो ये मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया. सो इफ माई रिलेशन इज बी सी एन एफ सो बाई डिफॉल्ट इट इज इन थर्ड नॉर्म फॉर्म, बाई डिफॉल्ट इट इज इन सेकंड नॉर्म फॉर्म, बाई डिफॉल्ट इट इज इन फर्स्ट नॉर्म फॉर्म. ठीक है, सो दिस रिलेशन इज माई बी सी एन एफ, नो प्रॉब्लम. नाउ लेट्स चेक दिस रिलेशन ए सी. ए सी टेंस टू डी. सबसे पहले हम देख लेते हैं बी सी एन एफ के लिए ए सी क्या मेरा कैंडिडेट की है. यस ए सी इज माई कैंडिडेट की. सो दिस इज अगेन माई बी सी एन एफ. नाउ लेट्स चेक फॉर सी डी. सी डी डिटरमाइनिंग बी एंड डी. क्या सी डी मेरा कैंडिडेट की है, सी डी इज माई कैंडिडेट की. नो सो दिस इज नॉट बी सी एन एफ. सो दिस इज नॉट बी सी एन एफ. नाउ चेक फॉर थर्ड नॉर्म फॉर्म. व्हाट इट इज सेइंग दैट, इट इज सेइंग दैट एल एच एस शुड बी कैंडिडेट की और आर एच एस शुड बी प्राइम एट्रीब्यूट. एल एच एस इज माई कैंडिडेट की. नो आर एंड आर एच एस और सॉरी और आर एच एस शुड बी योर प्राइम एट्रीब्यूट. सी यहां पर हमने लिखा था टू चेक इन थर्ड नॉर्म फॉर्म. एल एच एस शुड बी सुपर की और कैंडिडेट की और आर एच एस शुड बी प्राइम एट्रीब्यूट. सो आर एच एस देखते हैं. आर एच एस बी. बी इज माई प्राइम एट्रीब्यूट. नो सो इट मीन्स फेल, डायरेक्टली फेल. सो दिस रिलेशन इज नॉट इन थर्ड फॉर्म. नॉट लेट्स चेक फॉर सेकंड ऑल फॉर्म. सेकंड ऑल फॉर्म से नो पार्शियल डिपेंडेंसी. इज सी डी इज माई पार्ट ऑफ कैंडिडेट की. सी सी इज माई पार्ट ऑफ कैंडिडेट की. डी डी इज अगेन बोथ आर प्राइम एट्रीब्यूट. इट मीन्स बोथ आर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की. ओके नाउ वी विल चेक फॉर बीई. इज बीई इज बी इज माई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. यस इट इज ट्रू. सो दिस इज अगेन नॉट सेकंड नॉर्मल फॉर्म. सी वॉट माई पार्शियल डिपेंडेंसी इज सेइंग. पार्शियल डिपेंडेंसी इज सेइंग दैट योर एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड शुड बी अ सबसेट. शुड बी अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड आर एच एस राइट हैंड साइड शुड बी ए प्राइम एट्रीब्यूट. इफ इट इज फाउंड हेयर सो इट मीन्स दैट रिलेशन इज इन
partial dependency and second normal form hate partial dependency. So CD is my subset of candidate key true and yes sir. हाँ हाँ ये मैंने नॉन प्राइम लिखा है ना. अच्छा मैंने प्राइम लिख दिया क्या. इट इज माई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. आर एच एस शुड बी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. सी अगेन दिस ट्रिक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. योर एल एच एस शुड बी ए सबसेट ऑफ सुपर की एंड एल एच एस आई एम सॉरी कुछ यहाँ गलती लिख दिया ना मैंने. सबसेट एल एच एस एल आएगा ना यहाँ पे एल आएगा सॉरी. एल एच एस शुड बी लेफ्ट हैंड साइड शुड बी अ की एंड आर एच एस RHS right hand side should be non prime attribute. So if it is found, so that relation is in not second order form. Okay. So we have found that CD and BE are not second normal form. Now if I want to check for D and E, I can check. So D is my candidate key. D kya mera candidate key hai. Kuch galti ho gaya na. Ye raha. Kuch change ho gaya na. Itna to bekar nahi dikh raha tha. इतना तो बेकार नहीं दिख रहा था ना. हाँ अब ठीक है. So what we are saying D and E. D is my subset of candidate key true. E is my non-prime attribute. No, E is my prime attribute. So this is in second order form. ये मेरा second order form है. Let's check for 3NF. 3NF बोलता है कि या तो मेरा ये हो या ये हो. It is my key. No, it is my prime attribute. Yes, this relation is in third order form. So these are the shortcut. Now we will learn how to solve the question using the shortcut. So the answer is that this relation is in first normal form. This is the answer. So this relation is in first normal form. So how to solve this question with this shortcuts so that you don't waste any time. So let's see, learn here. See, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा. In CD determining BE, say CD and B. C is a proper subset of AC key. C is a proper subset of AC key. Yes, C is a proper subset of AC key. And D is a proper subset of AD key. Yes, it means both are proper subset of candidate key. Ye point important hai, that's why I have written here. So I hope you have understood this point. So now let's move forward. Now again, let's suppose this question is given and they will ask you find the highest normal form for this relation. Find highest normal form for this relation. So they will in option they will give you 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, BCNF. So you need to find. So now see, let's check how to find it. So what we will do, we will check for BCNF, BCNF. Let's check this relation. AB tends to C. एक और relation है ABD tends to C. एक और relation है ABC tends to D. एक और relation है BC tends to D. ठीक है.
नाउ चेक फॉर बी सी एन एफ. हम सबसे पहले देखते हैं बी सी एन एफ के लिए. इज ए बी माई कैंडिडेट की? ए बी इज माई कैंडिडेट की, यस. सो दिस रिलेशन इज बी सी एन एफ. सो बाय डिफॉल्ट दिस इज थ्री एन एफ, बाय डिफॉल्ट इट इज सेकेंड एन एफ, बाय डिफॉल्ट इट इज फर्स्ट एन एफ. ओके, देर इज नो नीड टू चेक. लेट्स चेक ए बी डी. ए बी डी इज ए बी इज माई कैंडिडेट की, यस. सो इफ अ रिलेशन इज गिवन, लेट सपोज इट इज गिवन दैट ए बी सी डी ई एफ जी डिटरमाइनिंग एच एंड ए बी इज योर कैंडिडेट की, इट मीन्स दैट वी कैन एड एज मैनी एज एट्रीब्यूट इन आर एच एस, आई एम सॉरी एल एच एस. इफ कैंडिडेट की इज गिवन टू यू एंड यू आर एडिंग एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट विथ द कैंडिडेट की, सो इट विल नॉट इफेक्ट ऑन द कैंडिडेट की. देर इज नो इफेक्ट ऑन द कैंडिडेट की इफ यू आर एडिंग एनी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट विद द कैंडिडेट की. ओके, सो ए बी इज देयर, सो इट मीन्स दिस रिलेशन इज बाय डिफॉल्ट इज इन बी सी एन एफ बिकॉज ए बी इज ऑन माई एल एच एस. एंड वॉट BCNF is saying that? BCNF saying that LHS should be super key or candidate key. See, BCNF is saying that LHS, left hand side, should be proper super key or candidate key. Proper, not a subset. It is not talking about subset. It is saying the proper super key. So, LHS is my proper. Okay, question. Here. So, AB is present there. So, it is my BCNF. Now check again, AB is present. So no matter what attribute you add with your candidate key, it won't affect the properties of candidate key. So yes, this relation is in BCNF. Now check AC. AC is my candidate key. No sir, AC is not candidate key. So what is A? Is A is my, so if it is, if, I'm sorry, if AC is not my कैंडिडेट की, सो दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट बी सी एन एफ. सो अगर ये रिलेशन एक भी रॉन्ग आ गया, इफ देर इज अ सिंगल रॉन्ग, इट मीन्स इट इज नॉट इन बी सी एन एफ. नाउ लेट्स चेक फॉर थर्ड नॉर फॉर्म. इफ द रिलेशन इज बी सी एन एफ बाई डिफॉल्ट थ्री एन एफ टू एन एफ एन एफ, सो देर इज नो नीड टू चेक. सो लेट्स चेक फॉर थ्री एन एफ. ओनली वी विल चेक दिस बॉक्स. वॉट थ्री एन एफ से? थ्री एन एफ सेज दैट if my LHS is my candidate key, is LHS is your candidate key, AC is your candidate key? No, candidate key is AB. Okay, or RHS should be a prime attribute. Is D is my prime attribute? No, D is my not prime attribute. It means this relation is not in third normal form. Now let's check for second normal form. What second normal form says that? It is saying that there should be no partial dependency. So what does partial dependency mean? It means that your LHS should be a proper subset of your candidate key. Is AC is my proper subset of AB? Is AC is my proper subset of AB? You tell me. Is AC is a proper subset of AB? Whole AC is a subset of whole AB. You tell me yes or no. Just type yes or no in the comment section. Hey, dada re dada, kya hoga tumhara? No, it is no. Bro, if I ask you, is A is a proper subset of AB? You will say yes. Why? A is found. If I say is B is a proper subset of AB, you will say yes. Why? B is found. If I say you D is a proper subset of AB, you will say no. Why? Because D don't found. If I say A, D is a proper subset of AB, A is a subset but D is a no. So it means no. Whole AD is not a subset of whole AB. AD ek saath mein likha hai. It is combined. So it is not, AC is a not subset of AB. AC is not a proper subset of AB. Why? A is a subset, but what about C, sir? What about C? You forgot the C. How you can neglect the C? So whole, it is not a proper subset of AB.
So it means LHS is not my, LHS is not my partial dependency. Why? What my partial dependency say? Partial dependency saying that LHS should be a subset of candidate key. I read subset, subset of candidate key and your RHS right hand side should be non-prime attribute. जब आपका पहला पहला condition ही fail हो गया तो there is no need to check. See, in your if statement, if I type false and true, true, will it execute? No, it will not execute क्योंकि शुरू में इसको false मिल गया तो ये आगे देखेगा ही नहीं. So LHS is not my subset of candidate key. So it means it is not prime attribute. So this false, this fail the definition of prime attribute. I'm sorry, partial dependency. It means there is no partial dependency. It means this is true. Is that understood? यहाँ पे आप देखो, यहाँ मिलकर true 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 true, इसका मतलब ये भी आपका by default true हो जाएगा. यहाँ पे एक wrong मिल गया तो ये wrong हो जाएगा. It means this relation is in second normal form. Is that clear? Now we will see one more example. Is that clear? Please type yes or no. Clear. Shubhas, please type yes or no. Sorry for the mistake. Are, don't be sorry. Now type yes. Okay. See, everyone make mistake and from mistake we will learn. It is good that you ask your doubt and I have clear doubt here only, because if you did the same mistake in your exam, then it will be it can create a problem for you. Okay, now let's check one more question. See, for your clarification I have written this: if ABD and ABC and AB are the same, we can add as many attribute with the key, it will not affect in finding the highest normal form. AC is not a proper subset of AB key. Why? Because A is a subset and C is not. A is subset, C is not. Both come together. If we have more candidate key, agar aur bhi candidate key hote hain in that CK, then C attribute come, then AC then become a proper subset. Now AC is not a proper subset of, so RHS no need to check, that I have explained in my if condition. Okay, now check one more question. So this is the relation given, I will write for you here A, B, C, D. This is last question. A determining B, C, D. B, C determining A, D. And B, D is determining B. Let's check for BCNF, BCNF. Let's check for BCNF. BCNF saying that what are the candidate key? CK. What are the CK? CK are A, BC and CD. I have three candidate key here. Is A is my candidate key? Yes. Is BC is my candidate key? Yes. Is D is my candidate key? No. So BCNF fails. Now check for third normal form. What is saying that LHS, so by default it is true, it is true, there is no need to check, right? So let's check for D. Is D is my candidate key? No. Or is B is my prime attribute? Is B is my prime attribute? Yes, B is my prime attribute. So this is the definition of second form. LHS should be key or RHS should be prime attribute. So D is, I'm sorry, B is my prime attribute. So this is true. So this relation, true, 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 this means this is true. So this relation is in third normal form. Now you can solve MCQ related to highest normal form, I believe. Please type yes or no. BCNF, ये wrong हो गया ना सर. One wrong means all wrong. ये wrong हो गया.
ओवरऑल इट इज इंक्लूडिंग ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसी इट इज गिवन, सो आंसर विल बी थर्ड नॉर्मल फॉर्म. हाँ, ओवरऑल जिसमें आपके जितने भी आ जाएंगे ना टिक, इफ वन रॉन्ग कम फॉर ए सिंगल फंक्शनल डिपेंडेंसी इट मीन्स दैट रिलेशन, सी रिलेशन इज फॉर वन टेबल, सो दिस टेबल इज नॉट इन बीसीएनएफ. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन. वन फेल ऑल फेल, ऑल पास देन ऑल पास, सो पास 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 इट मीन्स दिस रिलेशन एग्जिस्ट इन 3NF, दिस रिलेशन एग्जिस्ट इन 3NF, दिस रिलेशन एग्जिस्ट इन 3NF, ऑल पास 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 इट मीन्स दिस रिलेशन इज इन 3NF. इफ आई स्क्रॉल अबाउ, इफ आई सी दिस ट्रू दिस ट्रू दिस ट्रू दिस फेल्स बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन द होल टेबल होल रिलेशन इज नॉट इन बी सी एनएफ. रॉन्ग, राइट 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 रॉन्ग, इट मीन्स होल रॉन्ग. दिस रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑल द गिवन इंक्लूडिंग दिस वन, सो दिस रिलेशन इज नॉट इन थ्री एनएफ. राइट 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 राइट, ऑल राइट मीन्स दिस रिलेशन इट इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म. आगे देखते हैं, आगे भी आप यहाँ पे देखो, राइट राइट रॉन्ग. वन रॉन्ग मीन्स दिस इज नो बी सी एनएफ. राइट राइट रॉन्ग मीन्स एक सिंगल रॉन्ग मीन्स होल रॉन्ग, सो दिस रिलेशन इज नॉट इन सेकंड नॉर्म थर्ड नॉर्म फॉर्म. राइट राइट रॉन्ग. वन रॉन्ग मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट, दिस रिलेशन इज नॉट इन सेकंड नॉर्म फॉर्म, सो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सो दिस रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. इज दैट अंडरस्टूड? Please type yes or no. Yes. Okay. Now we can end the class and you can solve or more MCQ on your basis. I will upload more MCQ for your practice. Okay. Now you can sleep. It is around 12 o'clock. So we have done classes for around 2 hours, I guess. Okay. Good night, guys. I will post in the group. Yes. Yes. Shubhas. Sure, sure. I will in the weekend. I will try to make. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Let me stop the recording. Then we can discuss.